हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा एम्पायर्स। मैकेनिकल रिकवरी के ट्रेनिंग सेशन में अभी तक हमने हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर और कंपोनेंट के बारे में डिटेल में समझा है। इस सेशन में हम यह जानेंगे कि जब हार्ड डिस्क में मैकेनिकल फॉल्ट आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्ड डिस्क में आए मैकेनिकल फॉल्ट को बिना टॉप कवर खोले साउंड डिटेक्शन मेथड से कैसे कन्फर्म कर सकते हैं। फर्स्ट हम मैकेनिकल फॉल्ट के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। हार्ड डिस्क में से अनयूजुअल साउंड आ रहा है तो यह मैकेनिकल फॉल्ट होता है। इस केस में हेड डैमेज हो जाता है। हार्ड डिस्क में स्पिंडल मोटर जाम हो गया है या हेड प्लेटर पर स्टक हो गया है तो यह भी मैकेनिकल फॉल्ट होता है। ये फॉल्ट आने पर हार्ड डिस्क में से बहुत ही स्लो आवाज आती है जिसे हमें ध्यान से सुनना होता है। हार्ड ड्राइव अगर बहुत स्लो चल रहा है तो उसमें हेड वीक हो सकते हैं। ऐसे केस में फर्मवेयर का प्रॉब्लम भी आता है। तो डेटा रिकवरी के केस में फर्स्ट फर्मवेयर टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिजिकल का वर्क करेंगे। हार्ड डिस्क में थोड़ी देर पावर आकर चला जाता है और रोटेशन बंद हो जाता है। इस केस में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती है तो यह हेड डैमेज के कारण होता है। अगर हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है तो भी हार्ड डिस्क में मैकेनिकल फॉल्ट होता है। हार्ड डिस्क में जब मैकेनिकल फॉल्ट आता है तो हार्ड ड्राइव में से अलग अलग तरह की आवाज़ आती है। इन आवाज़ को जानकर हम हार्ड डिस्क में आए फॉल्ट को पहचान सकते हैं। अब हम डिफरेंट साउंड को सुनते हैं और उनके रिलेटेड फॉल्ट को जानते हैं। फर्स्ट हम हार्ड डिस्क में हेड डैमेज की प्रॉब्लम को समझते हैं। हार्ड डिस्क में जब हेड डैमेज हो जाता है तो हार्ड ड्राइव में से क्लिकिंग की आवाज आने लग जाती है। कुछ केसेस में हमें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है तो कभी कभी आवाज बहुत स्लो होती है। जब हार्ड डिस्क में हेड डैमेज होता है तो हार्ड डिस्क में क्लिकिंग साउंड के बाद पावर बंद हो जाता है और हार्ड डिस्क में रोटेशन भी बंद हो जाता है। फर्स्ट हम स्लो नॉइस को सुनते हैं। स्लो नॉइज के केस में हार्ड डिस्क में से बहुत ही धीमी आवाज आती है और बाद में हार्ड डिस्क में पावर बंद हो जाता है। अब हम हेड डैमेज की प्रॉब्लम को लाउड वॉइस सिम्टम्स के थ्रू समझते हैं। जब हार्ड डिस्क में हेड डैमेज हो जाता है तो कभी कभी हार्ड डिस्क में से बहुत ही तेज आवाज आती है। इसे हम इस साउंड से समझते हैं। अब हम हार्ड डिस्क में हेड स्टकिंग की प्रॉब्लम को समझते हैं। हेड स्टकिंग अभी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। यूएसबी हार्ड डिस्क में हेड स्टकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जनरली टेक्नीशियंस हेड स्टक की प्रॉब्लम को नो पावर और पीसीबी का फॉल्ट समझते हैं। कई बार हार्ड डिस्क का हेड स्पिन डाउन के समय प्लेटर पर ही रह जाता है और हेड पार्किंग एरिया में शिफ्ट नहीं हो पाता। इस केस में हेड प्लेटर पर स्टक हो जाता है और इसे हेड स्टक प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें हार्ड डिस्क में रोटेशन नहीं होता है और एक अनयूजुअल साउंड आता है। यह साउंड बहुत ही स्लो होता है और इसे हमें बहुत ही ध्यान से सुनना होता है। अब हम हेड स्टक के समय
हार्ड डिस्क में से आने वाले साउंड को सुनते हैं। हेड स्टकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेड को पार्किंग एरिया में शिफ्ट करना होता है। इसे बहुत ही ध्यान से स्पेसिफिक टूल्स को यूज करते हुए शिफ्ट करते हैं। बिना टूल्स के शिफ्ट करने में हेड डैमेज होने का रिस्क रहता है। हम जानते हैं कि स्पिंडल मोटर में हम बियरिंग को यूज करते हैं। कभी कभी रेगुलर रोटेशन के कारण बियरिंग जाम हो जाते हैं, जिससे स्पिंडल मोटर भी जाम हो जाती है और एक स्पेशल साउंड हमें सुनाई देता है जो कि स्पिंडल मोटर स्टक के कारण जनरेट होता है। स्पिंडल मोटर को अनस्टक करने के लिए स्पिंडल मोटर अनस्टक टूल को यूज करते हैं। अब हम स्पिंडल मोटर स्टक प्रॉब्लम को साउंड के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉब्लम है डैमेज्ड प्री एम्पलीफायर। जब प्री एम्पलीफायर डैमेज हो जाता है तो हेड पर सिग्नल्स प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। इसके कारण हेड स्टार्टिंग पोजीशन पर शिफ्ट नहीं हो पाता है और बार बार प्लेटर और पार्किंग के बीच ही मूव करता रहता है। इस प्रॉब्लम को भी हम हार्ड डिस्क से आने वाले साउंड से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब प्री एम्पलीफायर डैमेज हो जाता है तो हमें पूरी हेड असेंबली को चेंज करना होता है, क्योंकि प्री एम्पलीफायर को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब हम डैमेज्ड प्री एम्पलीफायर को साउंड डिटेक्शन से समझते हैं। जब स्पिंडल मोटर की बियरिंग डैमेज हो जाती है या अंदर लगी कॉइल डैमेज हो जाती है तो हार्ड डिस्क में मोटर की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है और यह एक स्पेशल साउंड क्रिएट करती है। बैड बियरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्पिंडल मोटर को चेंज करना होता है, जो काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम बैड बियरिंग के केस में प्लेटर और हेड को सेम डोनर वाली दूसरी हार्ड डिस्क में शिफ्ट करते हैं। इसके लिए स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और प्लेटर एक्सचेंजर टूल और हेड रिप्लेसमेंट टूल की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है।